वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया भट्ट इंस्पायर मेकअप लुक। सो बेसिकली ये एक एड में मैंने उनका ब्राइडल मेकअप देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत सिंपल लुक है। मतलब कोई ब्राइडल ऐसा मेकअप नहीं करेगी, बट अगर आप करते हैं ना तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है। शादी के दिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेकअप क्रिएट करेगा, बट ये अगर छोटा मोटा फंक्शन है तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप एज अ पार्टी गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड आप ड्रेस आप अपने हिसाब से जो है पहन सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल लुक था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आई थॉट कि मैं उसे रिक्रिएट करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इस मेकअप वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ और 5 प्रोडक्ट से मैंने सारा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं 5 प्रोडक्ट यूज करके मैं कैसा लुक क्रिएट करती हूँ और किस तरीके से ब्राइडल लुक आता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओलिविया पैन स्टिक ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है विंटर्स में, और समर्स होता तो बिल्कुल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट विंटर्स में ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैट लुक देता है और फुल कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। सो काफ़ी अच्छा पैन स्टिक है, अगर आप हाई कवरेज चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और ब्राइडल के लिए तो बहुत ही अच्छा पैन स्टिक है ये। सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इसे 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे फेस पर सेट हो जाए, क्योंकि अभी आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये सेट होके बहुत ही बढ़िया दिखता है और आपकी स्किन टोन से मैच हो जाता है। सो इस तरीके से जो है मैं फटाफट से ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का जो है ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ईजिली स्मूथली आपके बेस को ब्लेंड करता है एंड काफ़ी अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर है। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं फटाफट से जो है ब्लेंड कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ प्रोडक्ट 2 जो है यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ओडबो की किट, और इसमें बहुत सारे शेड है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ एक कॉन्टोर शेड एंड उससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। शेड एंड पतले ब्रश में, और इसे लेके मैं अपनी नोज को कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नोज थोड़ी सी मोटी है। सो इसे मैं अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी और अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं ओडबो की किट से ब्लश ले रही हूँ और उसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ही पिगमेंटेड है, पीची पिंक कलर है। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सबको। मैं लूँगी ब्लैक वाला शेड एंड इसे लेके मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी, और मैं अपनी आईब्रोज को बहुत अच्छे तरीके से फिल करूँगी, क्योंकि मुझे अलग से नहीं लेना है। एक ही किट है जिसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं ओडबो की किट से, उसमें आपको ब्लश, हाईलाइटर, आई शेडो एंड कॉन्टोर, आईब्रो पाउडर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और सिर्फ 200 समथिंग का आता है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी पिगमेंटेड भी है। तो आप देख सकते हो मैं फटाफट से जो है अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्राउन शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा उनकी आईब्रोज पे, आलिया भट्ट की आईब्रोज सॉरी आईलिड पे ब्राउन शेड है और आउटर वी पे भी है, तो इस तरीके से मैं आउटर वी पे प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करूँगी अच्छे से। सो इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि उनका आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, बहुत ही सिंपल था एंड बहुत अच्छा लुक दे रहा था, तो इस तरीके से मैं अच्छे से अपने आउटर वी पे प्लेस करते हुए क्रीज पे प्लेस करूँगी। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पिंकिश शिमरी कलर एंड इसे लेके मैं अपनी आई लिड पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उनकी आईज पे मुझे यही लग रहा था, समटाइम रेडिश दिख रहा था, समटाइम जो है पिंकिश दिख रहा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट इस तरीके से लेके मैं इसमें पिंकिश शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ एंड इन सबको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं अगेन थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके अपने आउटर व्यू पे प्लेस करते हुए क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ ताकि अच्छा लुक आए। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 3 ले रही हूँ एंड इसे लेके काजल को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी आईलाइनर की तरह एंड उसके बाद से मैं इसे अच्छे से स्मज कर दूँगी क्योंकि उनके उन्होंने जो आईलाइनर अप्लाई किया था वो बहुत अच्छे तरीके से स्मज किया हुआ था। तो इस तरीके से मैं अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी एंड अपने अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई करूँगी। तो जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है मुझे ऐसा ही मेकअप समझ आया एंड यहाँ पे मैं फोर्थ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि मस्कारा है एंड अच्छे से मैं इसे अप्लाई करूँगी क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और आप देख सकते हो इसके बाद फॉल्स आईलैशेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और आलिया भट्ट का आई मेकअप बहुत ही सिंपल था बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एलिगेंट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये मेबेलिन का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा है। सो इन सबको मैं अच्छे से एक स्मज वाले ब्रश की मदद से अच्छे से स्मज कर लूँगी जैसे कि आपको मैंने बताया। सो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी आई आईलाइनर जो मैंने अप्लाई किया था उसे भी मैं अच्छे से स्मज करूँगी एंड वाटर लाइन में जो लगाया था काजल उसे भी मैं अच्छे से स्मज करूँगी, इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। नेक्स्ट मैंने जो आई शेडो ऊपर अप्लाई किया था ब्राउन शेड वही लेके मैं अपने वाटर लाइन के नीचे जहाँ मैंने काजल अप्लाई किया उसके नीचे अप्लाई कर रही हूँ और इसी आई शेडो से एक हाईलाइटर शेड लेके मैं अच्छे से अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है हाईलाइटर की वहाँ मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ब्रो बॉन पे एंड अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल किट है, इसमें बहुत सारे शेड मिलते हैं, इसका हाइलाइटर तो बहुत ही अमेजिंग है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। एंड फिफ्थ प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है स्टे क्वर्की मिनिएचर किट ट्यूब से लिपस्टिक एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लिपस्टिक है, इसका शेड नंबर है 9। सो काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है और ऐसी ही लिपस्टिक है, आप देख सकते हो ये काफ़ी न्यूडिस ब्राउन कलर है। सो यहाँ है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।